वेलकम बैक टू क्रेजी हम तुम। तो आज मैं हूँ लुधियाना में, लुधियाना में हूँ अपने घर पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे मुझे फ्लैट मिला हुआ है वहाँ पे। और किसी बंदे को अगर अच्छी तरह से जानना हो ना तो उसको जानना चाहिए उसकी हॉबी से, उस साथ वालों के साथ कैसे रहता है उससे। तो आज मैं दिखाऊंगा कि मैं लुधियाना में आखिर करता क्या हूँ। सबसे पहले तो मेरी वाइफ ने बोला कि ये जो सलवार पड़ी है ना इसको अच्छे से ना धार लगा दो दोनों तरफ से। अभी मैं धार लगाने लगा हूँ, मेरे पास एंगल ग्राइंडर है, ठीक है, मेरे पास सारे टूल्स हैं। ये अगर टूल्स देखो, ये सारा टूल्स का ही मेरा वो है, ठीक है। तो टूल्स ही टूल्स रखे हुए हैं, मुझे बहुत शौक है कुछ ना कुछ नया बनाने का। ये बन गई अब तीखी वाली तलवार, ब्लेड जैसी तीखी होगी। हाँ, तो जो मैं 100 कार्ड निकाल के गया था ना वो तो पूरे के पूरे हो गए मेरे फिनिश। अभी मैं जो लुधियाना में ही हूँ तो लुधियाना से जहाँ से मैंने पहले निकाले थे अभी वहाँ से निकाल रहा हूँ। तो इनसे इतने कार्ड लेके जा रहा हूँ इस वक्त मैं। मुझे फोन आया एकदम से, मैं तो कार्ड निकलवाने आया था, तो मेरा भाई पंकज आया हुआ था यहाँ पे और बस इसने मुझे बुलाया और हम चले आए यहाँ पे। अभी हम इस वक्त हैं बायोटेक वाले गगन के पास, तो यहाँ पे हम चाय समोसे खाते रहते हैं। और भाई सब बढ़िया जी, आप सुनाइए अपना। हाँ बढ़िया। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते ना यहाँ से चाय और समोसे जिसने नहीं खाए ना उसने क्या ही खाया फिर। ये फिर से हम जी मैडम डर लगा है, ये बंदा हैरान परेशान ही है पता नहीं क्यों। देखना शक्ल देखना, ऐसे ना जैसे पता नहीं हो के क्या ये पाना भाई साइंटिस्ट है प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है पर इस शक्ल से दिखाना भाई। अच्छा नहीं चंगी तरह देखना, चंगी तरह दिखाना। तो अभी सारे बिजी हैं, ठीक है, जॉब करते हैं डॉक्टर हैं सारे। तो ये जा रहे हैं अभी अपने कामों पे, हम भी निकले अपने कामों पे, हमें जाना सफर पे। तो बड़ा वधिया लग रहा है यार मिलके, ठीक है, ओके जी चलो बाय। PAU के साथ ही है गढ़वासू वेटरनरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे हमें मिले धेरू। तबीयत खराब है ये इधर। ओके तुसी यार ग्लव्स पाए हुए ने, ये ताडे दिखे होंगे। ओके इस तो बड़ा होएगा जी, बच्चा। अच्छा ये बच्चा है जी। ओके तेरी लाइफ कितनी होती है? 60 to 70 साल, मतलब लगभग अपने इंसानों की एवरेज लाइफ नहीं है। तो भाई से बातें हो रही थी, भाई बता रहे हैं कि जो ईगल है ना इनका, इसकी विजन इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि अगर 20वीं मंजिल पर भी बैठा होगा तो नीचे एक चीटी भी चल रही होगी तो उसको भी देख सकता है। फ्री सोल वाला, माय नेम इज चांद आहूजा, फॉलो माय अकाउंट फ्री सोल। ओके तो जहाँ पे कार्ड निकलवा रहे हैं वहीं पे मिले मेरे भाई, तो इनके भी अकाउंट को कीजिए फॉलो, ठीक है। मुझे तो जो मिलेगा मैं तो बोलूंगा क्या करो जी फॉलो। देखिए मिलके बात ये है अर्शी, उस गाड़ी में जो हाथ हिला रहे थे वो है कमल। तो लुधियाने में मेरा दोस्त है जो पुलिस में है, अपनी ड्यूटी पे तैनात है इस वक्त, खड़े हैं यहाँ पे और मिलके भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी। गार्ड ने साढ़े वधिया भरा ने, असं हमेशा जो लगते हैं तो मिलते जरूर आ। दिन लुधियाना थोड़ा बहुत काम देखूंगा मैं, तो काम यही संभालनी है, लैब इंचार्ज यही है हमारी मैडम। तो ये जा रही है नीचे, तो सब्जी इन्होंने बनाई हुई है और मैंने इनको बोला कि परांठे आज मैं बना के खिलाऊंगा। हाँ जी मैम, मैं फोन कर दूंगा जब भी बनेंगे। और ये देखो मुझे कितना तंग कर रहे हो, कितना काम कर रही हूँ मैं बना के दे रहा हूँ परांठे और मैं तंग कर रहा हूँ, देखो जरा भाई। शादी बनाती हो तो जैसे परांठे इसको घी बीच में लगा के ना परांठो को, फिर इसको कवर कर देना, ओके, फिर इसमें फिर से घी लगाना। जब ऐसे बनाते हो तो लेयर्स ही बनती है, जैसे लच्छा परोठा बनता है ना उसकी लेयर्स बनती है, वैसे इसकी लेयर्स बनती है। ये लोग बोलेंगे यार ये क्या करता है, ठीक है बंदा ये पराठे बना रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बंदे को हर कुछ आना चाहिए, वैसे भी जब आप अकेले रहते हो ना तो आपको हर कुछ ही आना चाहिए। और मैं काफ़ी साल अकेला रहा हूँ और मुझे खाना बनाना बहुत कुछ सीख लिया मैंने। बहुत होगी ये बयानबाजी, आप पराठा देखो मस्त वाला बन गया है, लेयर्स देखो कैसे बनी है, ये सारी लेयर्स हैं, ये घी डालने का असर है छोटा सा, है छोटा सा, ऐसे तो मैं 10-12 खा जाऊं और पता भी नहीं चले। हाँ जी सर कैसा बना है? अच्छा बना। अच्छा अब मैं थोड़ा साइकिल को करने वाला हूँ आज मॉडिफाई, तो मैंने ये वाला हटा दी, ये रोड ये मेरे कुछ खास काम की नहीं आ रही थी, ये टूट गया था इसको भी हटा दिया। और मैं सोच रहा हूँ कि
इस स्पीकर को ना एक इधर लगा दूँ एक इधर लगा दूँ, मतलब दो स्पीकर इस पर अटैच कर दूँ। तो उसके लिए अब जुगाड़ बना रहा हूँ, ये मैंने पाइप, चलो करते हैं कुछ ना कुछ। ये मोटी जिप टाई है, जिप टाई से टाइट करके देखते हैं होता कि नहीं होता। टाई से भी काम बन गया है, एक स्पीकर और लाते हैं हम। और हाँ, तो मैं स्पीकर लेने लगा था, मैं साइकिल तो आपको बताया थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूँ, तो दो स्पीकर लगाने वाला हूँ क्योंकि हेडफोन लगा लगा के कान हो रहे हैं दर्द। तो भाई साहब से ले लिए स्पीकर, ये यहाँ पे होलसेल में एक्सेसरी दे रहे हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, सारी जगह घूम के हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिली है। तो जिसको भी चाहिए इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और मिल जाएगा आपको। ये है गुड मंडी में, और आपकी शॉप का नाम बता दीजिए एक बार। आरएस मोबाइल एक्सेसरी, शॉप नंबर 5, गुड मंडी लुधियाना। मोबाइल नंबर भी बोल दीजिए। 9023817474। ओके, तुमने मुझे ये इतनी ज़बरदस्त ये लाइट जो है ना ये दे दी है गिफ्ट कहाँ से? ये साइकिल पे लगाने के लिए इन्होंने बोला कि देर रात है, देर सवेर आपने जाना है कहीं पे, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये गिफ्ट दे रहे हैं मुझे, और धन्यवाद है आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी शॉपिंग मैडम को भी चली पड़ी है, ये कवर लिया है अभी अभी ताज़ा ताज़ा इन्होंने, और मैं अपने साइकिल को मॉडिफाई करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ढूंढ रहा हूँ। और अभी कहाँ जाएंगे? हाँ अभी देखते हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे ज़रूर। तो चलिए देखो, छोटा सा बच्चा होलसेल का कर रहा है यहाँ पे मोबाइल कवर का। अपनी शॉप है, दोनों शॉप है। हाँ, दो दो शॉप्स है इसकी अपनी मोबाइल कवर की, तो अच्छी बात। तो अभी पहुँच गया हूँ जो मैं जिस शॉप से मैं लेता हूँ जिंदल, हाँ तो यहाँ से मैं हमेशा ही अपनी एक्सेसरी खरीदता हूँ, और बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे जो अगर एक्सेसरी लेनी है ना साइकिल की तो यहीं पे मिलती है लुधियाना में। तो मैंने थोड़ा सा साइकिल को कर दिया मॉडिफाई, ये लगा दिए मोबाइल कवर, और ये लगा दिए दो स्पीकर। अभी तो मैं डांस कर सकता हूँ, पार्टी कर सकता हूँ इस पे, जितनी इसकी आवाज है ना काफी। तो एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, इतना लंबा सफर है, और मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, म्यूजिक के साथ सफर ऐसे कट जाता है। तो मैंने एक हार्डवुड पे साइनबोर्ड जो अपना स्टिकर है वो निकाल के लगा दिया साइकिल के फ्रंट पे, ताकि दूर से ये भी दिख सके लोगों को। कल है शिव का बर्थडे, और आज रात को काटेंगे केक और होगा बहुत सारा फन और धमाल। तब तक के लिए आप पेड़ लगाएं, ताकि आपको और हमें अच्छी सांस आए। सायोनारा।